आज हम बात कर रहे हैं पायलट स्टडीज के ऊपर, इसको आप पायलट एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि बेसिकली ये है क्या, इसको क्यों करना है एंड इसको कैसे करना है। दिस इज अगेन पार्ट ऑफ माय लेक्चर सीरीज आप बोल सकते हो, डिकोडिंग ए पेपर, जहाँ पे मैं वीडियोस ला रहा हूँ फ्रॉम द पब्लिश्ड आर्टिकल, एडिटोरियल, ट्यूटोरियल। ये जैसे एक ट्यूटोरियल है जो कि बीएमसी मेडिकल रिसर्च मेथोलॉजी पे पब्लिश हुआ है 2010 पे, एंड जो मैं आपको जो डिकोडिंग ए पेपर में बता रहा हूँ, बेसिकली वो पब्लिश्ड आर्टिकल है एंड उनको अच्छा खासा साइटेशन मिला हुआ है, मतलब पीपल आर रेफरिंग इट। सो लेट्स यू नो लर्न समथिंग फ्रॉम दिस पब्लिश्ड आर्टिकल। एंड मुझे एक क्वेरी भी आया था रिगार्डिंग पायलट एक्सपेरिमेंट कि इसको कैसे परफॉर्म करना है। सो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, देन आई फाउंड दिस ट्यूटोरियल जहाँ पे कि हमको स्टार्टिंग से बताया गया कि ये है क्या, देन इसको क्यों करना है एंड देन उसको कैसे करना है। तो कैसे करना है जानने से पहले वो है क्या एंड इसको क्यों किया जाता है वो भी समझते हैं फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है, ये लोग एक मेडिकल फील्ड को फोकस करके ये ट्यूटोरियल को बनाए हैं, जहाँ पे कि फेज 3 ट्रायल को ही ध्यान पे रख के किया गया है। आप अगर गूगल पे सर्च करोगे यू नो मेडिकल फील्ड पे, देखोगे कि ट्रायल कितना होता है, फेज 1, 2 एंड 3 होता है एंड सबका एक टाइम डोमेन भी होता है एंड मकसद भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे फेज 3 है, दो यहाँ पे फेज 3 ट्रायल है, बट हमको क्योंकि पायलट स्टडीज को समझना है तो हम इजीली यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो इंटेंशन है पायलट स्टडी करने का, रीजन ऑफ कंडक्टिंग ए पायलट स्टडी बताया जा रहा है, देन रिलेशनशिप बिटवीन पायलट स्टडी एंड प्रूफ ऑफ कंसेप्ट वो भी बताया गया है, देन एडाप्टिव डिजाइन के बारे में बताया गया है, चैलेंजेस मिस इंटरप्रिटेशन अबाउट पायलट स्टडीज वो भी बताया गया है, देन क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन सक्सेस ऑफ पायलट स्टडी, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिगार्डिंग पायलट स्टडी वो सब भी, एंड देन एथिकल एस्पेक्ट रिगार्डिंग भी यहाँ पे बात किया गया। तो यहाँ पे सिंपल वे पे हम ट्राई करेंगे इसको समझने के लिए, तो मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा। आप अगर फॉलो करोगे मैं जो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो पहले तो समझते हैं कि पायलट स्टडी है क्या, अगर हम इसको ट्राई करें डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे जैसे कि ऑक्सफोर्ड ट्रेजर्स पे यहाँ पे डिफाइन है, अगर पायलट यू नो प्रोजेक्ट, इसको हम पायलट प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, पायलट एक्सपेरिमेंट कहीं कहीं पे यूज होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टडीज कहीं कहीं पे यूज होता है। तो यहाँ पे आप देखो एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लोरेटरी टेस्ट, प्रिलिमिनरी ट्रायल एंड ट्राई आउट इन्वेस्टिगेशन, ये सब यू नो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे आप अगर देखोगे द टेस्ट टेस्ट मेथड जो है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ अलग एक कलर पे, यहाँ पे टेस्ट ऑफ मेथड एंड प्रोसीजर टू बी यूज्ड ऑन ए लार्जर स्केल, इफ द पायलट स्टडी डेमोन्स्ट्रेट दैट द मेथड एंड प्रोसीजर कैन वर्क, इन्वेस्टिगेशन डिजाइन टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ मेथड एंड प्रोसीजर फॉर लेटर यूज ऑन लार्ज स्केल और टू सर्च फॉर पॉसिबल इफेक्ट्स एंड एसोसिएशन दैट मे वर्थ फॉलोइंग ऑफ द सब्सिक्वेंट लार्ज स्टडी। सो लार्ज स्टडी पे कुछ एक एक्सपेरिमेंट करने से पहले अगर आप एक स्मॉल ग्रुप ऑफ और आप जो पायलट स्टडी यहाँ पे बोल रहे हो और पायलट प्रोजेक्ट बोल रहे हो, वहाँ पे एक स्मॉल सेट ऑफ डेटा को लेके भी आप काम कर सकते हो, आपका जो मेथड है एंड जो प्रोसेस है उसको आप वैलिडेट कर सकते हो। अगर वहाँ पे अच्छा रिजल्ट आपको मिल रहा है तो आप फिर एक लार्ज ग्रुप पे, लार्ज डेटा पे और लार्ज स्टडी पे फिर उसको लेके जा सकते हो। चलिए इसको और थोड़ा समझते हैं, डेफिनेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे सोर्स भी बताया गया है कहाँ से वो डेफिनेशन लिया गया। ये ट्रायल स्टडी कैरिड आउट बिफोर ए रिसर्च डिजाइन इज फाइनलाइज टू असिस्ट इन डिफाइनिंग द रिसर्च क्वेश्चन और टू टेस्ट द फिजिबिलिटी, रिलेबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द प्रपोज स्टडी डिजाइन। सेकेंड पे क्या है, आप अगर फॉलो करोगे, अगर वो आपको समझ में नहीं आया, ए स्मॉलर वर्जन ऑफ स्टडी इज कैरिड आउट, एक छोटा यू नो स्मॉलर वर्जन ऑफ स्टडीज इज कैरिड आउट बिफोर द एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन इज डन, मतलब जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन और जो लार्ज ग्रुप ऑफ स्टडी है उससे पहले एक स्मॉलर वर्जन ऑफ स्टडीज को किया गया है, द रिसर्चर यूज इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन पायलट स्टडी टू रिफाइन मॉडिफाई द मेथड रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर स्टडी एंड टू डेवलप लार्ज स्केल स्टडीज। मतलब मान लो आप स्मॉलर और एक
जो पायलट स्टडी पे जो डेटा और जो मेथड जो भी आपने लेके आपने काम किया है, वहाँ पे आप जब उसको परफॉर्म किए हो तो वहाँ पे आपको चांस मिल रहा है टू रिफाइन योर मेथोडोलॉजी और प्रोसीजर। एंड वो जब आप रिफाइनमेंट कर रहे हो, क्योंकि आपका स्मॉलर ग्रुप ऑफ डेटा है उसके ऊपर वो रिपीटेशन करने के लिए इजी होगा एंड आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो वो रिफाइनमेंट में आप फिर जा सकते हो। और रिफाइन होने के बाद आप फिर लार्जर ग्रुप ऑफ स्टडीज पे उसको लेके जा सकते हो। यहाँ पे स्मॉल स्केल स्टडी कंडक्टेड टू टेस्ट द प्लान एंड मेथड ऑफ रिसर्च स्टडी। आप अगर इसको सोच रहे हो कि आप लेट्स से ज्यूम कि आप पीएचडी करने वाले हो, बिफोर दैट ऑल्सो यू कैन ट्राई आउट, आप एक स्मॉल डेटा सेट को लेके भी लाइक पायलट स्टडी जैसा कर सकते हो, सो दैट यू कैन एबल टू क्रॉस चेक आप जो प्रोजेक्ट करना चाहते हो, जो मेथड वगैरह सिलेक्ट करना चाहते हो, फिजिबल होगा और नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सब केसेस पे मैंडेटरी नहीं होता है, कहीं ना कहीं आप जब अपना रिसर्च प्रपोजल और सिनोप्सिस बना रहे हो, आप शायद अपना मेथड हाईलाइट कर रहे हो, आपका प्रोसीजर हाईलाइट कर रहे हो, मेथोडोलॉजी वगैरह बता रहे हो, तो वहाँ पे ये हेल्प करेगा। अगर आपने एक स्मॉल पायलट स्टडी किया है, देन वो आप जब फिर 3 साल 4 साल के लिए प्लान कर रहे हो, वहाँ पे फिर आपका गड़बड़ी ना हो, तो थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया मिल जाएगा, मतलब उस डायरेक्शन पे जाना है नहीं जाना है। सो दिस इज द आइडिया, यू कैन गो थ्रू द अदर डेफिनेशन एज वेल। अभी चलते हैं दूसरा एक रीजन रीजन पे अभी चलते हैं। यहाँ पे टेबल 2 पे समराइज किया है, तो मैं उस लिए ज़्यादा यहाँ पे टेक्स्ट पे नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे जो समराइज किया है, आप देखो यहाँ पे मेन रीजन है आपका, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिया गया है। सो प्रोसेस पे क्या है, दिस असेसेस द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेसेस दैट आर की टू द सक्सेस ऑफ मेन स्टडी, जो हम बात भी कर रहे थे, यहाँ पे रिक्वायरमेंट रेट का आ गया। देन टॉकिंग अबाउट द रिसोर्सेस, दिस डील्स विद द असेसिंग टाइम एंड रिसोर्सेस प्रॉब्लम दैट कैन ऑकर ड्यूरिंग द मेन स्टडी। मतलब अगर आपका रिसोर्सेस आप बहुत कुछ डिमांड कर रहे हो, ले रहे हो, टेक इन टू अकाउंट द रिटेंशन रेट हो गया, रिफ्यूजल रेट हो गया, फेल्योर सक्सेस रेट, वो सब भी आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आप अगर स्मॉलर सेट और डेटा सेट, लेट मी टॉक अबाउट डेटा सेट, स्मॉल एक डेटा सेट को लेकर आप कर रहे हो, वहाँ पे आपका सक्सेस रेट ये सब देख के फिर आप प्लान कर पाओगे कि फर्दर आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, क्योंकि आपका रिसोर्सेस भी वेस्ट होगा अगर आप बिना पायलट स्टडी के आप अपना रिसर्च प्लान कर रहे हो, ने लार्ज स्केल ऑफ डेटा और लार्ज एक्सपेरिमेंटेशन अगर करना चाहते हो। देन मैनेजमेंट, दिस कवर पोटेंशियल ह्यूमन एंड डेटा मैनेजमेंट प्रॉब्लम, अगर आपका लार्ज ग्रुप ऑफ स्टडी, डिटरमाइनिंग द कैपेसिटी, यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, डिटरमाइनिंग द प्रोसेस टाइम, बहुत कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। सो दैट्स वाई। देन द साइंटिफिक रीजन, दिस डील्स विद द असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट सेफली, डोज रेस्पॉन्स, इफेक्ट इफेक्ट एंड वेरियंस ऑफ इफेक्ट। अगर हम मेडिकल, बेसिकली ये मेडिकल टर्म को लेके यहाँ पे बताया गया है, सो चैलेंजेस ऑफ स्टडी हो गया, देन आपका प्रॉब्लम एंट्रिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर, डेटा कैन डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बी मैच्ड, सो बहुत सारा चीज़, फिर वो साइंटिफिक वहाँ पे चीज़ आ जाए आपको जो ध्यान पे रखना है, वो एक हो गया। दूसरा यहाँ पे आप देखो कहीं कहीं पे अगर आप अपना पीएचडी कर रहे हो, आप यहाँ पे लेट मी चूज अनदर कलर, माय सुपरवाइजर बॉस टोल्ड मी टू डू इट एज पायलट स्टडी, कहीं पे वो होता है कि आपका सुपरवाइजर भी शायद आपको बोलेंगे पहले एक पायलट स्टडी करके मुझे दिखाओ कि जो आप हमने जो मेथड अभी डिसाइड किया है, वेदर दिस दैट मे बी फिजिबल टू टेक इट फॉर्दर और नॉट, मतलब आप लार्जर ग्रुप ऑफ डेटा पे उसको कर पाओगे नहीं कर पाओगे, वो एक चीज़ है। फिर सैम्पल साइज फॉर पायलट स्टडी, यहाँ पे आपको ध्यान पे रखना होगा कि आपका जो साइज है, सैम्पल साइज है, वो कितना आप लेके कर रहे हो पायलट स्टडी पे। यहाँ पे आप और एक चीज़ ध्यान पे आता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, मेनी ऑफ द केसेस वी कम अक्रॉस दिस कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच, जहाँ पे कि यू ऑल नो यूजिंग 95% ऑफ सी आई, वो पी वैल्यू वगैरह लाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, कॉन्फिडेंस इंटरवल में है नहीं है, ऑल दैट है, एंड फिर आप डिसाइड करते हो कि पायलट स्टडीज सक्सेसफुल है नहीं है, तो यहाँ पे रिजल्ट इंटरप्रिटेशन भी बताया गया है। और एक चीज़ है यहाँ पे, आप मैं ट्राई करूँगा दिखाने के लिए, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था, कैन आई पब्लिश द रिजल्ट ऑफ ए पायलट स्टडी, ये बहुत कोई पूछते हैं, तो यहाँ पे येस
एवरी अटेम्प्ट शुड बी मेड टू पब्लिश, आप कर सकते हो, क्योंकि आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आपने जब पायलट स्टडी किया है क्या क्या चीज़ कंसिडर किया है, वो भी मैं आपको ट्राई करूँगा। एक टेबुलेशन है दिखाने के लिए, यस यहाँ पे है। तो वहाँ पे आने से पहले फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पब्लिश द रिजल्ट ऑफ पायलट स्टडीज, क्यों करते हैं? लेट्स से यू आर डूइंग समथिंग, यू नो, आपने एक डेटा सेट को लेके आप कर रहे हो जो कि ओपन एसएस प्लेटफॉर्म पे है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, एंड वही डेटा सेट को लेके आपने जो प्रोसेस मेथोडोलॉजी फॉलो किया है, लेट्स से यू आर गेटिंग फेल्यूर, आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रहा है, सो एटलीस्ट यू कैन यू नो टेल अदर दैट दिस इज नॉट द राइट वे। आप वहाँ पे बाकी को भी ये बता रहे हो कि आप उनका टाइम उनका रिसोर्सेज वहाँ पे वेस्ट ना करें, यू नो, वो भी एक हेल्पफुल सॉर्ट ऑफ ए वे होता है, इवन दो आपको वहाँ पे सक्सेस नहीं मिला है। तो आप यहाँ पे देखो, वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिसर्च कम्युनिटी टू सेव रिसोर्सेज बींग अननेसेसरीली स्पेंड ऑन स्टडीज दैट मे नॉट बी फिजिबल, एंड फर्दर हैविंग सच इन्फॉर्मेशन कैन हेल्प रिसर्चर टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स इन असेसिंग फिजिबिलिटी। तो वो एक चीज हो गया। कैन आई कंबाइन डेटा फ्रॉम ए पायलट स्टडी विद डेटा फ्रॉम द मेन स्टडी, आप कर सकते हो कंबाइन प्रोवाइडेड द सैम्पल फ्रेम एंड मेथोलॉजीज आर इन द सेम, वो होगा तो आप कर सकते हो। कैन आई कंबाइन द रिजल्ट ऑफ पायलट स्टडी विद द रिजल्ट ऑफ अनदर स्टडी और इन ए मेटा डेटा, वो भी आप कर सकते हो प्रोवाइडेड द सैम्पलिंग फ्रेम एंड मेथोलॉजीज आर सेम। अगर वो सेम है फ्रेम, सैम्पलिंग फ्रेम जो आपने डेटा लिया है, जो मेथोलॉजीज है, तो आप कंबाइन कर सकते हो। नहीं कर सकते इन केस वेयर द मेन स्टडी इज रिपोर्टेड एंड इट इंक्लूड्स द पायलट स्टडी, वहाँ पे आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कैन द रिजल्ट ऑफ द पायलट स्टडी बी वैलिड ऑन देयर ओन विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ मेन स्टडी, यस वैलिड हो सकता है इफ द रिजल्ट शोज दैट दिस इज नॉट फिजिबल टू प्रोसीड टू द मेन स्टडी और देयर इज इनसफिशेंट फंडिंग, तो उस केस पे ये आपका वैलिड हो सकता है विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ द मेन स्टडी। कैन आई अप्लाई फंडिंग, आप कर सकते हो कि नहीं पायलट स्टडी पे? आप कर सकते हो क्योंकि यू आर डूइंग ए स्टडी, वो पायलट स्टडी है, दो इट इज स्मॉल यू नो सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है, बट आप कर सकते हो। कैन आई रेंडमाइज पेशेंट इन अ पायलट स्टडी, यस यहाँ पे भी आप कर सकते हो। हाउ कैन आई यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पायलट स्टडी टू एस्टिमेट द सैम्पल साइज, यूज दिस, अब यहाँ पे कॉशन से इसको यूज करना है क्योंकि जब सैम्पल साइज का बात आता है पोटेंशियली मिसलीड ये कभी कभी होता है पायलट स्टडी पे। कंसिडर सप्लीमेंटिंग द इंफॉर्मेशन विद द क्वालिटेटिव डिस्कशन विद द क्लिनिशियन, अगर हम हेल्थ केयर का बात करें, क्रिएट अ सैम्पल टेबल एक्नोलेजमेंट एक्नोलेज द अनसर्टेनिटी ऑफ द पायलट इंफॉर्मेशन, तो ये आपको थोड़ा केयरफुल होके करना है क्योंकि सैम्पल साइज अगर बहुत छोटा है, यू नो, कभी कभी हेल्थ केयर डोमेन हो गया, बाकी डोमेन का भी हो गया, तो वो शायद मिसलीडिंग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। अब और एक चीज़ यहाँ पे समझना है कि आप बोल रहे हो 10 ही सब्जेक्ट का डेटा लेके, मतलब लेट से 5 पेशेंट का आपने डेटा कंसिडर करके आप बोल रहे हो कि ये मेथड, ये एक्सपेरिमेंट मैन स्टडी पे काम नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं भी हो सकता है क्योंकि इन देर आर सो मेनी वेरिएबल जो आपको ध्यान पे रखना होता है। तो अगर वो सब कुछ कवर हो रहा है, वो 5 सब्जेक्ट पे आपने सही से उसको कवर अप किया है, तो शायद आपका जो पहले स्टडी हो सक मतलब वो सही डायरेक्शन पे आपको हिंट दे रहा है, बट स्मॉल यू नो डेटा सेट और सैम्पल साइज कभी कभी आपको सही से उसको एक डायरेक्शन आपको नहीं देगा, उसलिए आपको आपका यू नो जो सुपरवाइजर है और जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट है जो उस रिलेटेड काम किए हैं, तो उनके साथ बात करना पड़ेगा कि सैम्पल साइज क्या होना चाहिए। कैन आई यूज द रिजल्ट ऑफ ए पायलट स्टडी टू ट्रीट माई पेशेंट, नॉट ए गुड आइडिया। आप देखो पायलट स्टडीज और ये मतलब प्रिलिमिनरी स्टडीज होता है फॉर असेसिंग द फिजिबिलिटी, तो एक अच्छा आइडिया नहीं है। व्हाट कैन आई डू विथ फेल्ड और बैड पायलट स्टडी, आप समझो, नो स्टडी इज कम्प्लीट फेल्योर, इट कैन ऑलवेज बी यूज एज ए बैड एग्जाम्पल, हाउ एवर इट इज वर्थ मेकिंग क्लियर दैट ए पायलट स्टडी दैट शोज द मैन स्टडी इज नॉट लाइकली टू बी फिजिबल विथ
नॉट ए फेल्ड और पायलट स्टडी, इनफैक्ट देयर इज ए सक्सेस बिकॉज यू अवॉइडेड वेस्टिंग स्केयर रिसोर्सेज ऑन स्टडी डेस्टिन फॉर फेलियर. मतलब लार्ज ग्रुप ऑफ और मेन स्टडी से जाने से पहले आप वहाँ पे नहीं जा रहे हो टेकिंग दैट सेम यू नो अप्रोच और मेथड को लेके, क्योंकि फिर अगर आप जाते सो शायद आप 3 साल और उतना रिसोर्सेज, उतना टाइम, उतना पैसा, सब कुछ बर्बाद होता. तो दैट इज़ वन थिंग. सो कोई भी यू नो स्टडी वो छोटा हो वो फेलियर नहीं है. वहाँ से भी हम और आप एक बैड एग्जाम्पल को लेके उसको सीख सकते हो. वहाँ से भी इंफॉर्मेशन आप लेके फर्दर उसको फिर आप इम्प्रोवाइज करके अपना यू नो मेथड प्रोसीजर पे आप पहुंच सकते हो. तो चेकलिस्ट आइटम टू बी इंक्लूडेड यू नो और टू बी जब आप रिपोर्ट कर रहे हो ना पायलट स्टडी पे क्या होना चाहिए, जब ये आपको हेल्प भी करेगा इफ़ यू आर ट्राइंग टू पब्लिश दिस पायलट स्टडी इन यू इन ए रिसर्च पेपर और इन ए यू नो आप एक पेपर पे उसको डालना चाहते हो. तो आपको टाइटल एब्स्ट्रैक्ट क्लियर कट होना चाहिए, वहाँ पे भी पायलट स्टडी वो रिपोर्ट होना चाहिए. देन इंट्रोडक्शन पे आ गया बैकग्राउंड मेथड, यहाँ पे आ गया साइंटिफिक बैकग्राउंड ऑफ द मेन स्टडी एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ रेशनली फॉर द असेसिंग फिजिबिलिटी थ्रू द पायलटिंग एक्सपेरिम पार्टिसिपेंट एंड सेटिंग्स. यहाँ पे होना चाहिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पार्टिसिपेंट पायलट स्टडी, सही से आपको लिस्ट आउट करना है, स्टेट द डिफरेंसेस जो मेन स्टडी पे नहीं है. देन सेटिंग एंड लोकेशन और जो लिया गया डेटा कलेक्ट किया गया, प्रोवाइड प्रिसाइज डिटेल ऑफ द इंटरवेंशन इंटेंडेड फॉर ईच ग्रुप एंड हाउ दे वर एक्चुअली एडमिनिस्टर्ड. अगर वो एप्लीकेबल है तो स्टेट क्लियरली इफ द एस्पेक्ट ऑफ इंटरवेंशन आर असेस्ड फॉर फिजिबिलिटी. जिस केस पे यहाँ पे मेडिकल को लेके किया गया, बट आप अगर मैनेजमेंट से हो, आप अगर यू नो साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पे कर सकते हो. ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस फॉर द मेन स्टडी आ गया ऑब्जेक्टिव, वो ध्यान पे रखना है. आउटकम स्पेसिफिक फिजिबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, वहाँ पे भी कुछ ऑब्जेक्टिव मीट होना है. क्लियरली डिफाइन द प्राइमरी सेकेंडरी आउटकम मेजर ऑफ द मेन स्टडी को रख के ध्यान पे रख के आपने जो किया है और वो कैसे मीट कर रहा है वो आपको बताना है. सैम्पल साइज क्लियरली डिफाइन द फिजिबिलिटी आउटकम एंड हाउ दे वेयर ऑपरेशनलाइज्ड, एंड दिस शुड इंक्लूड द की एलिमेंट्स सच एज रिक्रूटमेंट रेट, कंसेंट रेट, कंप्लीशन रेट, वेरियंस एस्टिमेट जो भी एप्लीकेबल है. डिस्क्राइब हाउ सैम्पल साइज हुआ डिटरमाइन, कैसे डिटरमाइन किया गया वो भी आपको डिफाइन करना है. सो दिस यू कैन से चेकलिस्ट पे ये सब रहना. फिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर यहाँ पे फेज 3 ट्रायल है उस रिलेटेड है, क्लियरली डिस्क्राइब द क्राइटेरिया फॉर असेसिंग सक्सेस फिजिबिलिटी, वो आपको यहाँ पे बताना है. स्टैटिस्टिकल मेथड जो यूज हुआ है, डिस्क्राइब द स्टैटिस्टिकल मेथड जो आपने यूज किया है टू एनालाइज प्राइमरी और सेकेंडरी फिजिबिलिटी आउटकम जो आपको मिला है. एथिकल एस्पेक्ट, स्टेट वेदर द स्टडी रिसीव्ड रिसर्च एथिकल अप्रूवल. इफ इट इज मेडिकल और हेल्थ केयर रिलेटेड है तो यू नीड टू गेट प्रॉपर अप्रूवल फ्रॉम द एथिकल बॉडी, तो उसके बारे में बताया गया. रिजल्ट स्टेट हाउ इन्फॉर्म्ड कंसेंट वाज हैंडल्ड गिवन द फिजिबिलिटी नेचर ऑफ द स्टडी. पार्ट्स रिजल्ट पे आ गया यहाँ पे. पार्टिसिपेंट फ्लो रिक्वायरमेंट बेसलाइन डेटा आउटकम एस्टिमेशन सब कुछ यू नो यू हैव टू क्लियरली यू हैव टू लिस्ट इट आउट. आपको जो आपका जो रिजल्ट आया है एंड स्टेट द नंबर ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ई स्टेट रीजन एक्सक्लूजन अगर कुछ है तो. रिपोर्ट द डेट डिफाइनिंग द पीरियड्स ऑफ रिक्वायरमेंट. फॉलो अप रिपोर्ट द बेसलाइन डेमोग्राफिक क्लिनिकल करेक्टरिस्टिक अगर मेडिकल अगेन देर इज रिक्वायरमेंट यू नो डेमोग्राफिक एंड समवेयर यू आर डूइंग सम सर्वे जहाँ पे कि बाकी सब वेरिएबल को ध्यान पे रखना. ऑल दैट यू हैव टू लिस्ट इट आउट. डिस्कशन पे इंटरप्रिटेशन पे आ गया, जनरल एबिलिटी आ गया. देन यहाँ पे भी दैट स्टेटेड क्राइटेरिया फॉर सक्सेस फिजिबिलिटी है. स्टेट स्टडी हाइपोथेसिस सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल बायस ये सब आपको बताना है. देन ओवरऑल एविडेंस ऑफ फिजिबिलिटी, जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ करंट एविडेंस ऑफ फिजिबिलिटी. फोकस शुड बी ऑन ऑन फिजिबिलिटी कि वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा. सो ऑल दैट
एथिकल एस्पेक्ट सब कुछ, मतलब आपको ये आपका हो गया, आप अगर रिपोर्ट कर रहे हो चेकलिस्ट ये हो गया पायलट स्टडी का। तो दिस इज हाउ दिस टू बी डन। रिक्वायरमेंट क्या है हमने यहाँ पे सोच समझा कि है क्या, क्यों करना होता है एंड इसको कैसे करना होता है, कैसे करना होता है ऑल दैट थिंग ऑफ चेकलिस्ट यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट। आप जिस भी फील्ड से हो, अगर वो फिजिबल है बिफोर स्टार्टिंग योर मेन रिसर्च और आपका PhD काम फॉर 3 to 5 ईयर जो आप प्लान कर रहे हो, उससे पहले एक पायलट स्टडी करके भी आप एक पेपर पब्लिश कर सकते हो। पब्लिशिंग ए पेपर प्रायर टू एंट्रिंग इनटू रिसर्च, उसके बारे में भी एक वीडियो मैं ट्राई करूँगा बनाने के लिए, वो कैसे हेल्प करता है टू मेक गुड बॉन्ड विथ योर सुपरवाइजर, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे आएगा आपके ऊपर एंड आपको कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा। और आपका जो पहला पेपर है उससे आपको एक्चुअली बहुत कुछ हेल्प मिलता है टूवर्ड्स आपका जो मेथड प्रोसीजर वो रिफाइनमेंट होता है, देन आपको आपका ऑब्जेक्टिव वगैरह और क्लियरली विजिबल होता है कि इसको अचीव करना है, जो स्ट्रेटेजीज है आप जो जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी आप जो बनाए हो, एक्सपेक्टेड आउटकम हो, वो विजिबिलिटी बढ़ते जाता है। यहाँ पे आप फिजिबिलिटी का बाम बात करें वहाँ पे आप विजिबिलिटी फिजिबिलिटी दोनों लाइन ऑफ हो जाता है। सो उसके ऊपर भी हम ट्राई करेंगे, मैं ट्राई करूँगा एक वीडियो बनाने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई थॉट ऑफ कवरिंग टुडे। आप बाकी वीडियो एक्सप्लोर कीजिए, दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट डिकोडिंग ए पेपर, मैं वो प्लेलिस्ट पे डाल दूंगा। अब बाकी प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे हम डिफरेंट डायमेंशन पे हम वीडियो बना रहे हैं, कवर कर रहे हैं, जो कहीं से कुछ भी थोड़ा हमको हेल्प करे टूवर्ड्स इम्प्रूविंग योर रिसर्च, माई रिसर्च, आवर रिसर्च सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक बिफोर लिविंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेट मिलेगा एंड आई विल कीप कमिंग विथ न्यू वीडियोज़। थैंक यू।